जय हिंद दोस्तों, एमसीजी एकेडमी में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चंस हिंदी फॉर सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, जो आपको सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट में देखने को मिल सकते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे संबंधित आज हम हिंदी के विषय पर चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अब तक आदि। क्रिया विशेषण के बारे में आपको बताता हूँ। क्रिया विशेषण जो है वो चार प्रकार का होता है। कितने? इसके चार भेद होते हैं, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, और आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचन क्रिया विशेषण। ये चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अवयव किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। मतलब कहने के लिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन होता नहीं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अवयव के समानता कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अपन को इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्या है दोस्तों? अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव, अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव के समानता चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, जिसमें पहला होगा दोस्तों क्रिया विशेषण। पहला है दोस्तों क्रिया विशेषण। दूसरा है दोस्तों संबंध बोधक। क्या है दोस्तों? संबंध बोधक। तीसरा है दोस्तों समुच्चय बोधक। क्या है दोस्तों? समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयचयी। क्या है दोस्तों? विस्मयचयी बोधक। कौन सा? विस्मयचयी बोधक। चलिए दोस्तों, दूसरी क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एक वचन। दूसरा है बहुवचन। वचन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। व्याकरण की दृष्टि से हिंदी में वचन शब्द का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम वचन कहते हैं। वचन हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि ताला एक वचन है, ताले बहुवचन है। शीशा एक वचन है, शीशे बहुवचन है। रात एक वचन है, रातें बहुवचन है। साइकिल एक वचन है, साइकिलें बहुवचन है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे म, प, र, य, क आदि। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? क्वेश्चन कह रहा है वर्ण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन कलर को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। जैसे म, प, र, य, क आदि। वर्ण के बारे में आपको और बताना चाहता हूं कि वर्ण किसी भाषा की ऐसी इकाई जिसके खंड संभव ना हो वर्ण कहलाती है, या भाषा की खंडित अथवा निम्नतम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की इकाई को दो रूपों में समझा जा सकता है। कौन कौन सी वो है? ध्वनि स्वामिन और आकृति रूपिम। ध्वनि स्वामिन, ध्वनि जिसका खंड संभव ना हो,
स्वमिन कहलाती है। यह भाषा की कौन सी इकाई है? सार्थक इकाई है। और आकृति रूपम, ऐसी आकृति जिसके खंड ना हो वह रूपम कहलाती है। क्या कहलाती है? आकृति रूपम कहलाती है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला आप सभी जानते होंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला है। मतलब वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अपन वर्णमाला कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों हम आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन को इसलिए लाते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर दोस्तों आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और आप अपनी राय भी दे सकते हैं जिससे हम आगे की वीडियो में उसको अपना सुधार करेंगे। चलिए दोस्तों तो इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। शब्द किसे कहते हैं? क्या है दोस्तों? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वर्ण, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है हमको दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों? देखिए इससे पहले क्वेश्चन अपन ने क्या पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द में क्या था? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वाक्य किसे कहते हैं, तो ये वाक्य जो है वो किससे मिलकर बनता है? शब्दों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है दोस्तों? शब्दों से मिलकर बनता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य कहलाता है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमको ध्यान से देखना है। क्या है क्वेश्चन? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मोस्टली मोस्टली आपको पेपरों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है क्या, कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हमें याद रखना है दोस्तों कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? चलिए दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद देखना है इसको कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? हम बताएंगे मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मतलब हमारे मुख से जो छ ध्वनि निकलती है वह किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। क्या होता है वो? कौन सा वर्ण होता है? संयुक्त वर्ण। कौन सा दोस्तों? संयुक्त वर्ण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखना है हमको। क्या कहते हैं इसको? संयुक्त वर्ण कहते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, त्र किन वर्णों से, किन वर्णों के मेल से बना है? जो त्र शब्द है, जो त्र वो किन वर्णों के मेल से बना है? तो हम क्या बोलेंगे? ये बना है त्र प्लस र। क्या होता है? त्र त्र प्लस र, त्र। ठीक है दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब जो हमारे मुख से ट ट वर्ण निकलता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब जो हमारे मुख से टा वर्ग निकलता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? क्या है दोस्तों उसका उच्चारण स्थान? मूर्धा। किससे निकलता है वो? हमारे मुंह से निकलता है, मूर्धा। ठीक है, अब देखो इसी के संग में दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आपको आपके सामने इसलिए इन क्वेश्चनों को हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर होते जाए। अभी देखो टा के बाद क्या आया दोस्तों? फा। क्या आया है? फा। तो फा का उच्चारण स्थान क्या है? फा का उच्चारण स्थान है दोस्तों दंतोष्ट। क्या है? दंतोष्ट मतलब दांतों से निकलता है जी, फा। कभी आप अपने मुख से निकल के देख सकते हैं फा। क्या? फा। देखिए आपके दंतोष्ट मतलब दांत और ओंठों का क्या हो रहा होगा? उपयोग हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए शब्द को अपन ने बोला है दंतोष्ट। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, श श्र सा और ह व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स श्र और श और ह व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको अगर डाउट भी क्लियर कर दूं, ये सफ सलजम, सा षटकोण, सा सपेरा, हा से हल, व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये ऊष्म व्यंजन। कौन से दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। याद रखना हमें इस चीज को दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहलाते हैं? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, या र ल वा व्यंजन को कहते हैं, या र ल वा व्यंजन को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। हम इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों। अभी तक अपन ने टा वर्ग, फा वर्ग, फिर उसके बाद कौन कौन से देख रहे हैं अपन, शा श्रा शा हा, और अब य र ल वा व्यंजन को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। का से म तक के व्यंजनों को कहा जाता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? का से म तक के व्यंजनों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। बहुत अच्छे से याद रखना है हमें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हम कुछ किसी किसी भी प्रकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको हमसे पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अच्छा चलो दोस्तों, मैं आपको व्यंजन के बारे में कुछ बताता हूँ। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन से इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको व्यंजन के बारे में भी तो आना चाहिए। क्या है? व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या है दोस्तों? व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। जिनके उच्चारण के लिए हमें काई की स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। क्या है? उच्चारण प्रयत्न से हमारा तात्पर्य स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। मतलब जब हम सांस लेते हैं, स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, श्वास की मात्रा या जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब अर्थ दोस्तों यह है, कहने का मतलब यह है, व्यंजन से हमारे जो है वर्णों का पता चलता है कि का कौन सा वर्ग होता है, चा का कौन सा वर्ग होता है, टा का कौन सा वर्ग होता है, वर्गों के बारे में हमको पता चलता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपन दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, घोष का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्या घोष का अर्थ क्या है? घोष का अर्थ तो अपन बताएंगे दोस्तों, घोष का अर्थ क्या है? नाद। क्या है दोस्तों? घोष का अर्थ नाद। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है। क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है, क्या कहलाती है? वह पाश्वीय। क्या कहलाती है दोस्तों? पाश्विक। क्या कहलाती है दोस्तों? पाश्विक। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आ स्वर कहलाता है। आ स्वर कौन सा है? आ स्वर है विवृत स्वर। कौन सा? विवृत स्वर। कौन सा स्वर है दोस्तों? विवृत स्वर। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पश्च स्वर क्या है? कौन सा? पश्च स्वर क्या है? पश्च स्वर में कौन कौन से शब्द आते हैं दोस्तों? ई और आ। क्या आता है? ई और आ। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हमको बारीकी के साथ देखना है, क्योंकि मैं मोस्टली उन्हीं क्वेश्चनों को लाता हूँ आपके सामने जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और किसी न किसी परीक्षा से संबंधित रखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ, देखिए इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक अपन ने जो पढ़ रहे हैं, अपन जो भी देखो स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले अपन ने आ स्वर क्या कहलाता है, आ स्वर, अब ये पश्व स्वर क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने दोस्तों क्या आ गया है, अग्र स्वर क्या है। कौन सा? अग्र स्वर क्या है? तो कौन सा स्वर है ये? अग्र स्वर ए। क्या है? ए। ए कौन सा स्वर कहलाएगा दोस्तों?
अग्रस्वर कहलाएगा। आशा करते हैं कि अब आपके सामने जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो आप सीधे फट से एक बार में टिक कर देंगे, उसको थम्सअप कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? थम्सअप कर देंगे। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, छ व्यंजन किन दो व्यंजकों से मिलकर बना है? छ व्यंजक किन दो व्यंजकों से मिलकर बना है? तो ये किस किस से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शा प्लस रा, किससे? शा प्लस रा से बनकर क्या बनता है? श्रा। ठीक है दोस्तों, हमको याद रखना है ये चीज। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ड और ढा का व्यंजन वर्ग है? देखिए दोस्तों, ग्रामर से ही संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। जब भी मैंने ऊपर पहले ही आपको बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये हमारे हिंदी का, ग्रामर से लेके पूरे क्वेश्चन, एक एक चीज क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने वन वन लाइनर में हम इसलिए लेके आते हैं क्योंकि आपके मन में कोई डाउट ना रह सके। सीधे एक बार में वन लाइनर क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन और सीधे उसका आंसर, इसलिए दोस्तों हम आपके सामने लाते हैं। तो क्या है इसमें दोस्तों? ड और ढ का व्यंजन वर्ग है क्या है दोस्तों? मुद्रय और उत्क्षेप। क्या है दोस्तों? मुद्रय और उत्क्षेप, याद रखेंगे दोस्तों अपन इसको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? ओम, जब भी अपन बोलते हैं, सांस लेते हैं, ओम, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? देखिए दोस्तों, आप खुद लेके देखिए, ओम, आप खुद लेके देखिए दोस्तों, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो दोस्तों हम क्या बताएंगे? कौन सा? लुप्त स्वर। कौन सा दोस्तों? लुप्त स्वर। चलिए दोस्तों इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सघोष वर्णों का सही वर्ग है? सघोष वर्णों का सही वर्ग है क्या है दोस्तों? ड और ढ। क्या है दोस्तों? ड और ढ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना है कि सघोष वर्णों का सही वर्ग है क्या है दोस्तों? ड और ढ, ड और ढ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम हमेशा इन क्वेश्चनों में जो है कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा, इसलिए हम आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन को, जब भी मैं आपसे बार बार दोहरा रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन को इसलिए आपके सामने लेके आ रहे हैं आपके मन में कोई डाउट ना रहे। सीधे एक बार में अपन को क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर देखना है सीधे। चलिए दोस्तों इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, भ्राता का भाववाचक शब्द क्या है? भ्राता का भाववाचक शब्द क्या है? देखिए दोस्तों क्या है? भातृव। क्या है दोस्तों? भातृव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमको इसको बहुत अच्छे से देखना है कि भ्राता का भाववाचक शब्द, भ्राता तो आप सभी जानते होंगे, भ्राता भाई, भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? भातृव। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सीमा दौड़ती है, यहां दौड़ती है कैसी क्रिया है? कौन सी क्रिया है दोस्तों? ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी ये क्रिया? अकर्मक क्रिया है। सीमा दौड़ती है, यहां दौड़नी कौन सी क्रिया है? मतलब सीमा जब दौड़ रही है तो दौड़ते समय वह कौन सी क्रिया कर रही है दोस्तों? याद रखेंगे हम, कौन सी क्रिया कर रही है दोस्तों? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया दोस्तों? अकर्मक क्रिया। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें से मैं पढ़ूंगा, कि मैं पढ़ूंगा क्या है? क्या है दोस्तों इसमें से? संज्ञा उपवाक्य। क्या है? संज्ञा उपवाक्य। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, ये देखिए दोस्तों, ये इस चीज को लिया गया है कि मैं पढ़ूंगा। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है दोस्तों? संज्ञा उपवाक्य, याद रखेंगे दोस्तों अपन इसको। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा द्रव्य हैं? देखिए दोस्तों, सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? कौन से शब्द हैं? द्वंद्ववाचक। क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक, सॉरी दोस्तों, कौन से? द्रव्यवाचक, याद रखेंगे हम इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? कौन से हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक। क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कृपाण का विलोम शब्द होगा किसका? कृपाण का विलोम शब्द होगा, कृपाण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? दानी।
चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कृपाण का विलोम शब्द क्या है? कृपाण का विलोम शब्द मतलब उल्टा क्या कहलाएगा दोस्तों? दानी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? दानी कहलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग, विलोम मतलब होते हैं उल्टे, समानार्थी, विलोम। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द होगा दोस्तों विराग। क्या होगा? अनुराग का विराग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमको इसको बहुत अच्छे से देखना है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या है। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या कहलाएगा दोस्तों? विराग कहलाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए विलोम शब्द से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। क्या? भोगी, भोगी का विलोम शब्द क्या होगा? भोगी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? योगी। क्या होगा? भोगी का विलोम शब्द योगी। याद रखना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि भोगी का विलोम शब्द क्या होगा? भोगी का विलोम शब्द होगा दोस्तों योगी। इसी के साथ चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्ति का विलोम शब्द क्या है? कीर्ति का विलोम शब्द, जाहिर सी बात है, कीर्ति, कीर्ति का विलोम शब्द क्या कहलाएगा दोस्तों? अपकीर्ति। क्या कहलाएगा दोस्तों? अपकीर्ति। याद रखना है हमें इसे दोस्तों। चलिए इसी के साथ दूसरे विलोम शब्द को क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे विलोम शब्द का क्वेश्चन है, स्थूल का विलोम शब्द होगा, स्थूल का विलोम शब्द होगा, स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल का विलोम शब्द होगा, स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सूक्ष्म। याद रखेंगे दोस्तों हम इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सूक्ष्म होगा। याद रखना है हमें इस चीज को। चलिए दोस्तों इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शीर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? शीर्ष, शीर्ष का विलोम शब्द, शीर्ष का विलोम शब्द मतलब किसी बिंदु का सिरा, और उसका विलोम शब्द क्या कहलाते हैं? उसका विलोम शब्द कहलाएगा उसका तल। क्या कहलाएगा दोस्तों? उसका विलोम शब्द तल। तो शीर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तल होता है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। शोषक का विलोम शब्द होगा किसका? शोषक का विलोम शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? शोषक का विलोम शब्द, शोषक का विलोम शब्द कहलाएगा दोस्तों शोषित। क्या कहलाएगा दोस्तों? शोषित कहलाएगा। एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी के साथ देखना है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिए, थम्सअप जरूर कीजिए, इसे कमेंट करके बताइए कि हमारे द्वारा और क्या बेहतर प्रयास किया जा सकता है, और आपको किस चीज़ से संबंधित और भी विषय के बारे में जानना है, हम जरूर आपको उस चीज़ के बारे में जरूर प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मृदु का विलोम शब्द होगा किसका? मृदु का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सामने, कि मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? कटु होगा। क्या होगा दोस्तों? कटु होगा। मधु का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? कटु होगा। बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बारीकी के साथ देखते जाना है, अपने माइंड में फिट करना है दोस्तों, इसलिए तो हम आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन को लेके आए हैं, सीधे एक लाइन में आंसर इसका दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कलूच का विलोम शब्द होगा किसका दोस्तों? कलूच का विलोम शब्द होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? निचकुल। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? निष्क लुच। क्या होगा? निष्क लुच। समझ रहे हैं ना दोस्तों, कलुज का विलोम शब्द क्या होगा? तो कलुज का विलोम शब्द अच्छे से देखना है क्या है? निष्क लुच। क्या होगा? निष्क लुच होगा। इसी के संग में दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सदैव। क्या होगा दोस्तों? सदैव होगा। निर्दय का विलोम शब्द सदैव होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ विलोम शब्द के यहीं समाप्ति होती है विलोम शब्द के क्वेश्चंस की। इसी के साथ चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निरोग में संधि है, निरोग मतलब जिसमें कोई भी रोग ना हो, उसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। यदि दोस्तों आप लोग बोलोगे तो मैं संधि से संबंधित या सर्वनाम से संबंधित या संज्ञा से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत जरूर करूंगा। यदि आपको ऐसा चीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताएं दोस्तों, आपको जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी वो चीजें, बिल्कुल एक एक चीज समझाई जाएगी आपको दोस्तों। तो आपको यदि किसी भी टॉपिक से संबंधित रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप हमारे चैनल पे जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको उस चीज को जरूर प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निस्तेज में कौन सी संधि है? निस्तेज में कौन सी संधि है? संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, देखिए संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। संधि से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या था? निस्तेज में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है दोस्तों?
विसर्ग संधि इसमें भी कौन सी दोस्त, विसर्ग संधि, कौन सी, विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उज्जवल का संधि विच्छेद होगा, उज्जवल का संधि विच्छेद होगा। संधि से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। कृपया एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी के साथ देखना भी है और समझना भी है। तो इसलिए दोस्तों इसके साथ साथ अच्छे से उसको अपने माइंड में ही फिट करना है। माइंड में फिट करेंगे तो बिल्कुल एक बार में आप क्वेश्चन को तोड़ देंगे। क्या है दोस्तों, एक बार में क्वेश्चन को बिल्कुल आप तोड़ सकते हो। तो इसमें लिखा है उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उत प्लस ज्वल। क्या होगा दोस्तों, उत प्लस ज्वल क्या बनेगा मिलके, उज्ज्वल। याद रखना है दोस्तों हमें। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हुए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपने कई बार हर पर किसी ना किसी परीक्षा में इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा कि बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा दोस्तों, बही प्लस कार। क्या होगा, बहिर प्लस कार। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहिष्कार। क्या होगा, बहिष्कार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चयन में कौन सी संधि है, चयन में कौन सी संधि है दोस्तों। चयन में अगर आपसे पूछेगा आप आगे से कोई भी, चयन में कौन सी संधि है, तो दोस्तों हमको क्या बताना है, चयन में अयादि संधि है। कौन सी, अयादि संधि है दोस्तों। अयादि संधि किसमें, चयन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अवयव में कौन सी संधि है, अन्वय, सॉरी दोस्तों, अन्वय में कौन सी संधि है। तो हम बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुण संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण संधि। तो अन्वय में कौन सी संधि है, याद रखना है हमको, गुण संधि है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सचिनानंदन का संधि विच्छेद है। फिर से एक बार आपके सामने क्वेश्चन को रिपीट करता हूं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सचिदानंदन का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा दोस्तों, सचिदानंदन का संधि विच्छेद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। क्या होगा दोस्तों, सत प्लस चित्त प्लस आनंद क्या कहलाएगा, सचिदानंद। क्या कहलाएगा दोस्तों, सचिदानंद। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, सचिदानंद। तो आगे से आपसे कोई भी पूछे कि सचिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, क्या हो जाएगा, सचिदानंद। चलिए दोस्तों इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नति का संधि विच्छेद है। किसका, उन्नति का संधि विच्छेद है। संधि से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, उन्नति का संधि विच्छेद, उत प्लस नति। क्या हो जाएगा, उत प्लस नति। क्या हो जाएगा, उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद है, उत प्लस नति। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे आप। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो हम दोस्तों क्या बताएंगे, निर्धन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्या है दोस्तों, विसर्ग संधि। जैसा कि मैं आप सभी से फिर बोल रहा हूं, अगर आपको संधि से रिलेटेड, संज्ञा से रिलेटेड, सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपको जरूर उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी कमेंट बॉक्स में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, संधि या किसी भी चीज से रिलेटेड आप बोलेंगे, हम आपको उस चीज को जरूर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य प्लस उदय का संधियुक्त शब्द है। सूर्य प्लस उदय का संधियुक्त शब्द है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्योदय। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य प्लस उदय का संधियुक्त शब्द है। क्या है दोस्तों, सूर्योदय है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम यहीं पर अपने आज के क्वेश्चनों का समापन करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चनों को जरूर समझ में आया होगा। अगर ना आए तो एक बार और, मैं विश्वास कीजिए आप मेरा, एक बार और अच्छे से इस वीडियो को एक बार और देखिए शुरू से, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक पूरे डाउट हो जाएंगे, पूरे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैंने आपसे देखो पहले भी लिखा था, टॉप 50 क्वेश्चन इन हिंदी,
दोस्तों हम लोग निरंतर जो है प्रतिदिन जो है निरंतर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थम्सअप बटन को जरूर दबाइए। हम आपके सामने सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट से संबंधित क्वेश्चंस को लाते ही रहेंगे, ऐसे ही लाते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम और भी कोई नए क्वेश्चंस को लाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों एमसीजी एकेडमी पीडीएफ फाइल आपको जरूर प्राप्त होगी दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ये, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। तो एक बार अगर आपको फिर से एक बार अगर आपको टाइम मिल जाए तो वीडियो को सेव कर सकते हैं आप। सेव करने के बाद भी आप अपने घर पे देख सकते हैं, कहीं फ्री बैठकर भी देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।